उस्मानी तुर्कों को जश्ने मिलाद उन नबी का आयोजन करने का सबसे अधिक शर्फ हासिल है। उनके दौर ए हुकूमत में सीरिया, मिस्र, मक्का, मदीना में जश्ने मिलाद उन नबी का बहुत शानदार एहतमाम होता था। उस्मानी तुर्क अपने शुरुआती दौर में भी, जब उन्होंने हिजाज पर अपनी हुकूमत कायम नहीं की थी, तब भी वो जश्ने मिलाद उन नबी का आयोजन मदीना में किया करते थे। उस्मान बिन उर्तुग्रल, जिन्होंने उस्मानी सल्तनत की बुनियाद रखी थी, के बारे में पढ़ने को मिलता है कि वो मिलाद उन नबी के मौके पर वो हरामैन में मिठाइयां बांटा करते थे, साथ ही गरीबों में पैसा और खाना तकसीम किया जाता था और इस दौरान अच्छे खाने का एहतमाम किया जाता था, साथ ही सड़क और गलियों को रोशन किया जाता था, सजावट की जाती थी। इस मौके पर नातखवानी का मस्जिद ए नबवी में खुसूसी एहतमाम किया जाता था। रसूलुल्लाह की शान में कसीदे पढ़े जाते थे। 1588 में पहली बार उस्मानी सल्तनत के दौर में ईद मिलाद उन नबी का जश्न का प्रचलन एक त्योहार के रूप में जनमानस में सर्वाधिक प्रचलित हुआ, क्योंकि उस्मानी सुल्तान ने इस दिन को सरकारी छुट्टी का दिन घोषित कर दिया था। वैसे उससे पहले भी ईद मिलाद उन नबी का जश्न होता था, पर सल्तनत के झंडे के नीचे होने के बाद हुआ, क्योंकि उस्मानी सुल्तान ने इस दिन को सरकारी छुट्टी का दिन घोषित कर दिया था। वैसे उससे पहले भी ईद मिलाद उन नबी का जश्न होता था, पर सल्तनत के झंडे के नीचे होने के बाद ये आम हो गया, लोगों ने हाथों हाथ लिया। अगर उस्मानी दस्तावेज पर नजर डालें तो पता चलता है कि अलग अलग दौर में अलग तरीके से ईद मिलाद उन नबी का जश्न मनाया जाता था। बड़ी तादाद में कारी साहब कुरान की तिलावत करते थे, नातखवा हुजूर की शान में नात पढ़ते थे, जिन्हें सम्मान में तोहफा दिया जाता था। इस मौके पर अवाम बड़े पैमाने पर सुल्तान को चंदे की शक्ल में पैसे देती थी, जिससे आइंदा के सालों में ईद मिलाद उन नबी के जश्न का और अच्छा एहतमाम किया जाता था। साथ ही कई ऐसे खत मिलते हैं जिसमें अलग अलग प्रांत के गवर्नर अपने अवाम और सुल्तान को ईद मिलाद उन नबी के बधाई देते नजर आते हैं। साथ ही कई जगह तोप चलाकर जश्न मनाने की भी बात सामने आती है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर फौज के लोग ईद मिलाद उन नबी के जश्न में हिस्सा लेते हैं, परेड निकालते हैं, जिन्हें बजाबता बोनस के तौर पर आधे माह की तनख्वाह दी जाती है। इसके अलावा और भी कई काम ईद मिलाद उन नबी के मौके पर अंजाम दिए जाते थे। कुछ इश्तेहार भी मिले हैं जिस पर अलग अलग इलाके के मुफ्ती अपने हिसाब से ईद मिलाद उन नबी का संदेश लिखवा कर बंटवाते थे। यहाँ तक के उस्मानी सल्तनत के अंतिम समय में भी वहाँ के सुल्तान लगातार ईद मिलाद उन नबी के विभिन्न जश्न में हिस्सा लिया करते थे। उस्मानी सल्तनत का हिस्सा रहा फलस्तीन और खासकर कुद्दस का इलाका, जहाँ पर मस्जिद ए अक्सा मौजूद है। वहाँ पर बड़े पैमाने पर मिलिट्री बैंड का उपयोग ईद मिलाद उन नबी का जश्न मनाने के लिए किया जाता था। अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे फलस्तीन में आज भी ये ट्रेडिशन वहाँ कायम है। अफ्रीका से लेकर मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस और चीन तक में वहाँ के ट्रेडिशन के हिसाब से लोग जश्न ए मिलाद उन नबी मनाया करते थे। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ भी मुगलिया दौर में ईद मिलाद उन नबी का जश्न होता था। कुछ पुरानी पेंटिंग बताती हैं कि किस तरह मुगल बादशाह अपने दरबार में जश्न ए मिलाद उन नबी का आयोजन किया करते थे। फातेहा ख्वानी, नातखवानी होती थी और हुजूर के शान में कसीदे पढ़े जाते थे। गरीबों में दौलत और कपड़े बांटे जाते थे, मिठाइयां तकसीम की जाती थी। अफ्रीका के डरबन और उसके आसपास के इलाकों में रह रहे भारतीय मुसलमान बड़े पैमाने पर ईद मिलाद उन नबी का आयोजन किया करते थे, जिसमें उस्मानी सल्तनत का कोई नुमाइंदा मेहमान ए खुसूसी हुआ करता था।
हिंदुस्तान की जंग ए आज़ादी के अजीम रहनुमा मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली जब इंग्लैंड में थे, तब उन्होंने जश्न ए मीलाद उन नबी में हिस्सा लिया था, जिसका आयोजन तुर्क लोगों ने किया था। यहाँ वो मेहमान एक खुसूसी की हैसियत से बुलाए गए थे। 1919 में ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली की सरपरस्ती में बम्बई में जुलूस ए मोहम्मदी निकलना शुरू किया, जो अब भी जारी है। वहीं हिंदुस्तान के स्कूल और कॉलेजों में भी ईद मिलाद उन नबी का जश्न मनाया जाता था। बुजुर्ग लोग बताते हैं कि स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले मुस्लिम छात्र आपस में कंट्रीब्यूट कर स्कूल में ही इसका आयोजन किया करते थे, और इस आयोजन में साथ पढ़ने वाले हिंदू भाई भी हिस्सा लिया करते थे। जहां इस मौके पर मिठाइयां तकसीम की जाती थी, वहीं लोग नबी ए करीम मोहम्मद की सीरत बयान करते थे, और खासकर उन मुद्दों पर बात होती थी जिससे हम रोज हो गुजरते हैं। हमारा अखलाक कैसा होना चाहिए, हमारा किरदार कैसा होना चाहिए, वगैरह वगैरह। वैसे एक तहजीब के खत्म हो जाने के वजह कर इस तरह का आयोजन अब स्कूल और कॉलेजों से बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। वैसे स्कूल में ईद मिलाद उन नबी के जश्न के अहतमाम से याद आया कि हिंदुस्तान की जंग ए आज़ादी के अजीम रहनुमा शाह वजीहुद्दीन मिन्हाजी साहब अपनी डायरी मेरी तमन्ना में लिखते हैं कि 1923 में उन्हें पढ़ने के लिए कलकत्ता के मिशनरी स्कूल में भेजा गया। वहाँ ईद मिलाद उन नबी का आयोजन नहीं करने दिया गया, तब उन्होंने जबरदस्ती जश्न ए मीला ईद मिलाद उन नबी का आयोजन नहीं करने दिया गया तब उन्होंने जबरदस्ती जश्न ए मीलाद उन नबी का आयोजन किया, क्योंकि वो पहले जिस स्कूल से पढ़कर आए थे वहां हर साल जश्न ए मीलाद उन नबी का एहतमाम किया जाता था। वैसे फिर कलकत्ता के इस मिशनरी स्कूल से उन्हें जश्न ए मीलाद उन नबी का आयोजन करने की वजह कर निकाल भी दिया गया था। बहरहाल धीरे धीरे ट्रेंड चेंज होते जा रहा है। पहले झंडा का रंग कुछ होता था और अब कुछ और है। वैसे झंडा से याद आया कि आज भी कई जगह हरे और लाल रंग के पताके लगे मिल जाएंगे जिस पर चांद बना होता है, पर बहुत कम लोगों ने गौर किया होगा कि इस रंग का रीजन क्या है। असल में ये उस्मानी सल्तनत और खिलाफत का झंडा है। चूंकि इस्लाम में खलीफा का एक महत्व है, और 1857 में मुगलों के ज़वाल के बाद भारतीय मुसलमान का रुझान भी उस्मानी सल्तनत की तरफ बढ़ा और ये झंडा वहां से यहां भी आ गया। लाल वाला झंडा उस्मानी सल्तनत का था, तो हरा वाला झंडा उस्मानी खिलाफत का। वैसे उस्मानी सल्तनत के ज़वाल के बाद आज भी तुर्की में ईद मिलाद उन नबी मनाने का अपना एक खास अंदाज है। इस दिन ज्यादातर मुसलमान मस्जिद में एक साथ जमा होते हैं। पूरे दिन नमाज और कुरान की तिलावत की जाती है। हर नमाज के बाद दर्स होता है। इसमें मर्द, औरत और बच्चे तमाम लोग शामिल होते हैं। बिल्कुल ईद की तरह एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद देते हैं। औरतें लोगों को शरबत पिलाते व किताबें और कैलेंडर बांटती नजर आती हैं। इबादत का ये सिलसिला पूरे दिन जारी रहता है। कई लोगों के हिसाब से ईद मिलाद उन नबी का जश्न मनाने का इससे बेहतर तरीका कुछ और नहीं हो सकता है। बाकी इकबाल के हिसाब से